रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने शाहबाद शुगर मिल कर्मचारी यूनियन के महासचिव राम कुमार को न्याय दिलवाने के लिए शुगर मिल के एक इंजीनियर से संबंधित मामले की जांच स्टेट विजिलेंस को सौंपने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस इंजीनियर के मामले में दो एमडी की जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट भी दी जा चुकी है, लेकिन हाउस के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और कष्ट निवारण समिति के सदस्यों की मांग पर जांच का जिम्मा स्टेट विजिलेंस को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन और परिवहन मंत्री असीम गोयल के किन्हीं आकस्मिक कारणों से बैठक में न आने के कारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने एजेंडे में शामिल 16 में से 13 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया और 3 शिकायतों में आवेदक के नहीं पहुंचने पर शिकायतों को लंबित रखने के आदेश दिए। इहोवा से हमारे जिला संवाददाता पुष्पराज शर्मा की रिपोर्ट। असीम गौड़ जी ने आ पाए मुझे यहाँ आने का ये मिला। आज 16 हमारे पास जो के अंदर घंटे आ गए, 16 में से 13 घंटे हमने जो है फाइल कर दिया, उसमें 3 पेंडिंग है, 3 घंटे उसकी हमने फाइल मांगी है। और मैं एक बात करूँगा में हम लोग को कनता हमारा जो भी जो भी इसके अंदर मिलने लिया है तो पूरा सरकार में उसकी जमीन जो भी आपके साथ मिला है देखिए 3 जो नहीं आए वो भी स्टार नहीं आए क्योंकि इसलिए पहने रखी है, खुद ही मोबाइल बंद कर दिया, कोई वैसे नहीं आया किसी प्रकार से, उन्होंने देखा मैंने सोचा क्यों नहीं आए। गर्मी मेंबर ने बात रखी है, गर्मी लगती है उसके लिए कहा है इसी का हम ठीक का एग्जाम करा रहे हैं और भी इसमें उसकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है माइक के लिए उसको भी मैं सब कुछ ठीक करा रहे हैं। मंत्री जी लिपिक कर्मचारी दोबारा धरना संकेतिक धरना दिया था काम में देखिए अभी मैं ग्रेसिस की मीटिंग में आया, मेरे पास कोई बात संज्ञान में आई उस बात को भी हम रखेंगे, लेकिन मैं इतना बात नहीं रुकेगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार पूरी जनता के प्रति कार्य कर रही है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ किसी प्रकार का कोई भी अधिकारी इसमें अगर किसी कोताही कोई कोई भी नहीं रखेगा तो किसी प्रकार की कोताही होता है उसके विरुद्ध हम कार्य करेंगे। आज मैं कहूँगा क्षेत्रा की इस कमेटी अंदर आपने देखा होगा हमने बहुत उनको कहा है कि लोगों को सर्वे करना हमारा फर्ज बनता है हमारी सरकार का दायित्व। सीएम सिटी में आज देवेंद्र हुड्डा ने रैली की है और सरकार के खिलाफ बैंक को करने के लिए शुरू कर दिए। कांग्रेस हरियाणा हिसाब भी मांग रही है जी, कांग्रेस ने अभियान छेड़ा हरियाणा मांगे हिसाब। देखिए मैं एक बात कहूँगा आदमी जी से 10 साल का पहले मुझे हिसाब दें क्योंकि राज्य में क्या क्या हुआ, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं और अपना हिसाब रखते हैं, हमारे से जो भी हिसाब लेंगे हमारे अभी नायब सिंह सैनी जी हमारी मुख्यमंत्री बिल्कुल तैयार है, किसी मंच पे भी आने के लिए तैयार है, कहीं भी उनके लिए तैयार आने के लिए एक एक दिन पैसे का हिसाब लेने तैयार है। बिरला मंदिर का मुद्दा उठाया शहर का तो इस पर आप कोई संज्ञान लेंगे? देखिए बिरला मंदिर का जो मुद्दा है उसके ऊपर एडमिशन के पास संज्ञान में भी आएगा, जो भी बात होगी वो ज्ञापन भी देख लीजिए मेरे संज्ञान में नहीं है वो बिरला मंदिर का मुद्दा, मुझे मेरे तो नॉलेज नहीं है, बाकी वैसी बात आएगी मेरे संज्ञान में आएगा मैं एडमिशन से बात करूँगा। सर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आप 2 घंटे के पहले सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है और उनसे जो भी उनके इशू होंगे उन पर बातचीत करें, डॉक्टर का साथ आप सही करनी पड़ेगी। ठीक 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 है सर धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।